अरे बाप रे, ये तो सांप है, दूध पी रही है। जरा सा भी हिले तो मुझे डस लेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अजी सुनती हो, सूरज सर के ऊपर चढ़ गया। गाय के पास जल्दी चलो। यदि तुम बछड़े को नहीं पकड़ोगे तो मैं गाय के दूध कैसे निकालूंगा? मेरी गोपाल को भूख लगी है और आप भी तो बाजार जाओगे दूध बेचने के लिए। हाँ जी, जल्दी चलो, बहुत देर हो गया आज। फिर वो दोनों गाय के पास चले गए। कुसुमपुर गांव की सारे लोग गवाला थे। वो लोग गाय के दूध और दूध से बने मिठाई बेच के परिवार का देखभाल करता था। उसी गांव के पास वाले जंगल से एक नागराज अपने साथियों के साथ वहां आते हैं और नागराज को दिन भर भूख लगती थी। पूरा दिन वो बस खाते ही रहता था। नागराज के थे दो चेले, ढोड़ा सांप और बोरा सांप। वो अपने चेले ढोड़ा सांप को आदेश किया, ए ढोड़ा, जल्दी जा मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर से खाना? अभी तो थोड़ी देर पहले ही 30 मरे हुए चूहा और 20 मेंढक खाए, आपको फिर से भूख लग गया? चुप कर, एकदम चुप। खाने के बारे में मुझे कुछ नहीं कहेगा। इतना सा खाके भूख मिटता है क्या? और अभी मैं बहुत ही प्यासा हूँ, मुझे गाय के मीठा दूध पीने की इच्छा हो रही है। कितने दिनों से मैं दूध नहीं पिया। जाओ मेरे लिए गाय की दूध लेके आओ। गला सूखा है तो नदी की पानी पीजिए, दूध क्यों पीना है? फिर से बातें, जो कहा है वो करो, और ज्यादा कुछ कहा तो तुम दोनों को मैं सूप बना के पी जाऊंगा। ये कह के ढोड़ा और बोरा जंगल से बाहर चले जाते हैं दूध लाने के लिए। फिर ढोड़ा बोरा से कहता है, अब हमें दूध कहाँ से मिलेगा? पूरा दिन नागराज के लिए खाना जुगाड़ करते करते हम बहुत थक जाते हैं, तब भी इसका भूख नहीं मिटता। पूरा दिन खा खा के एकदम फुटबॉल जैसी गोल हो गया है, अब तो एक दिन फट ही जाएगा। हमारे नसीब में तो कुछ भी नहीं मिलता, ना खा खा के हम कैसे सूखे काठ की तरह बन चुके हैं। सब कुछ खाने के बाद अंत में हमें तो सिर्फ बचा कुचा खाना ही मिलता है। लेकिन दूध तो लेके जाना ही पड़ेगा, सुना नहीं क्या कहा? नहीं तो हम दोनों को ही काट के सूप बना के पी जाएंगे। चलो दूध ढूंढते हैं। इसके बाद वो जंगल से निकल के गांव में घुस जाते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाते ही देखता है कि एक गाय बंधा हुआ है। वो देखो बोरा, एक गाय बंधे है, चलो देखते हैं उसके पास दूध मिलता है कि नहीं। फिर वो दोनों गाय के पास जाके अपने मुंह से गाय के दूध निकलने लगे और वो देख नीना गाय डर से बिल्कुल ना हिले, चुपचाप खड़ी रही। ऐसे हालात में वो दो सांप दूध निकलते ही गए। तभी नीना मन ही मन बोली, अरे बाप रे, ये तो सांप है, दूध पी रही है, जरा सा भी हिले तो मुझे डस लेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। कान खोल के सुन ले, हमारे बारे में किसी को भी कहा तो ऐसा डांसूंगा कि पूरा छवि हो जाएगा, ये बात अच्छे से याद रखना। इसके बाद सारे दूध निकल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाके नागराज को दूध खाने के लिए देते हैं। वो दूध पी के कहा, बहुत स्वादिष्ट है, ये दूध पी के बहुत मजा आया, कहाँ मिला ये दूध? ये दूध पास वाले गांव से लेके आए हैं। वाह बहुत ही बढ़िया, कान खोल के सुन लो, कल से मेरे लिए यही दूध लेके आना पड़ेगा। ये कह के नागराज सारे दूध पी जाते हैं, लेकिन ढोड़ा और बोरा के भाग में कुछ नहीं मिला। इसके कुछ देर बाद गोपाल की माँ गाय के पास जाते हैं दूध निकलने के लिए, लेकिन नीना गाय एक बूंद भी दूध नहीं दे रही है, पर कुछ दूध जमीन पे गिरा था। अरे नीना,
आज तेरा क्या हुआ? एक बूंद भी दूध नहीं दे रही है। मेरे गोपाल कब से भूखे हैं? और गोपाल के पिताजी को भी तो दूध लेकर बेचने जाना है ना? पर नीना एक बूंद भी दूध नहीं दे रही है, वो सिर्फ डर से चुप खड़ी रहती है। तो क्या बछड़े ने सारे दूध पी लिया? लेकिन वो तो बाहर बंधे हुए हैं। क्या हुआ कौन जाने। गोपाल की माँ खाली बाल्टी लिए निकल जाती है और सारी घटना गोपाल के पिता को बताए। ये सब सुन के गोपाल के पिता ने कहा, लगता है आज उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए दूध नहीं दिया। फिर बाजार में क्या बेचने जाए। अगले दिन सुबह होते ही ढोड़ा और बोरा सांप दूध लाने गांव में आते हैं। इस बार वो और कुछ गाय की दूध चोरी करके नागराज को देता है और मीठा दूध पी के नागराज तो बहुत खुश हुए, मगर ढोड़ा और बोरा सांप बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि नागराज उन्हें एक बूंद भी दूध नहीं देते थे। इधर गोपाल की माँ अगले दिन गाय के पास जाके देखती है कि नीचे कुछ दूध गिरा है और नीना एक बूंद भी दूध नहीं दे रही है। फिर से वो खाली बाल्टी लिए वापस चली आती है। आके गोपाल के पिता से कहती है, सुनते हो, क्या सच में नीना को कुछ हुआ है कि बात कुछ और है? ये क्या बोल रहे हो, क्या हो सकता है? होय होय होय, तुम्हारा दिमाग क्या पूरा सर गया है? हमारी नीना गाय एकदम तंदुरुस्त है। मुझे लगता है हमसे पहले ही नीना के पास कोई जाके सारे दूध चुरा लेता है। लेकिन हमारे गांव में तो सबकी गाय है, कौन दूध चोरी करेगा? वही तो हमें ढूंढ के निकलना है। अच्छा तुम जाओ और जाके देखो तो गांव की और भी कोई गाय दूध देना बंद कर दी है क्या, फिर समझ आएगा कि असली कारण क्या है। गांव के सारे लोग इस बात को लेकर परेशान थे क्योंकि गांव की और कुछ गाय भी दूध देना बंद कर दिए थे। ये कौन सा मुसीबत आ खड़ा है, हमारा तो अच्छा ही चल रहा था, ना जाने कहां से ये चोर आ गया। हरू अब क्या किया जाए? ये तो मुझे पता नहीं, मेरी पत्नी को सब पता है, उसकी दिमाग बहुत तेज है। चलो हम सब जाके पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद सब मिलके हरू की पत्नी के पास जाते हैं और हरू की पत्नी सबको चोर पकड़ने की तरकीब बताती है। सुबह होने से पहले सब लोग अपने अपने गाय पे नजर रखते हैं। उस दिन ढोड़ा और बोरा राखाल की गाय से दूध चोरी करने के लिए आए थे और सांप को देखते ही राखाल बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, सांप है! इसका मतलब सांप दूध चोरी कर रहा है। लेकिन ये दो सांप किसके लिए दूध लेकर जा रहा है? चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद राखाल और गांव के कुछ लोग मिलके उन दो सांप की पीछा करते हैं और पीछा करते हुए जंगल में पहुंच के देखते हैं वो दूध नागराज को दिया और ये देख सब डर से भाग के सीधा पहुंच जाते हैं केलो सपेरा के पास और सब मिलके केलो सपेरा को पूरी घटना बताते हैं। फिर सारी बात सुन के केलो सपेरा ने कहा, समझा, यही है वो नागराज, उसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, आज जाके वो हाथ लगेगा। तुम सब मुझे उस जंगल की तरफ लेके चलो। इसके बाद केलो सपेरा गांव वालों के साथ जंगल की तरफ जाते हैं और वहां पहुंचते ही बीन बजाने लगता है और बीन की धुन सुन के नागराज ने कहा, कौन ये बीन बजा रहा है? बंद करो, इसे बंद करो। कौन शुरू किया बीन बजाना? बंद करो। मैं हूँ तुम्हारा यमराज, बहुत दिनों से तुमको ढूंढ रहा हूँ मैं। तुम फिर से यहाँ पर आके सारे गांव वाले को परेशान करके रखे हो, आज मैं तुम्हारा गुंगी बजा के रहूंगा।
ये कह के सपेरा फिर से बीन बजाने लगे और बीन की धुन सुन के डोरा और बोरा वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर नागराज ने कहा, छोड़ दो मुझे, जब मैं मुक्त होऊंगा मैं तुम्हें ऐसे डांसूंगा तुम्हारा छवि दीवार पे लटक जाएगा। सपेरा बीन बजाना बंद नहीं किए और बीन के धुन में आकर्षित होकर नागराज ढोरा और बोरा को दो हाथ पे उठाए धीरे धीरे सपेरा के पीछे चले जाते हैं। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नई मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।